हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है, बिकॉज समय नहीं मिल पाता है वीडियो बनाने का, तो आज टाइम मिला है तो आपके लिए बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आज मैंने एक अच्छा सा ट्रेड अभी पकड़ा हुआ हूँ, जस्ट अभी चल ही रहा है ट्रेड। उसमें मैं लगभग 231 पॉइंट से ज़्यादा ट्रेड जो 231 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट जो कैप्चर कर चुका हूँ और अभी चल ही रहा है, ठीक है दोस्तों। उसका लॉजिक बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मेन चीज़ है साइकोलॉजी और ट्रैप को समझना। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग ऑल अबाउट साइकोलॉजी एंड ट्रैप, कोई सपोर्ट कोई रेजिस्टेंस जो एक्चुअल में मार्केट में काम नहीं करता है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कि क्या चल रहा है अभी जो मैंने अभी पकड़ा है ट्रेड को। तो दोस्तों, यहाँ से मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो है ट्रेड को जो है कर लिया हूँ, और अभी देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग किस तरह से जो है चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे लगभग मैंने कितना पॉइंट अभी तक कैप्चर कर लिया आप लोग को बताता हूँ मेजर करके। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस जगह से मैंने ट्रेड को पकड़ा था और यहाँ तक आया मार्केट लगभग 230 पॉइंट जो है कैप्चर कर चुके हैं, ठीक है, और अभी भी चल ही रहा है, ठीक है। तो कैसे क्या कैसे नहीं आपको पूरा लॉजिक बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको दोस्तों स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ कि कहाँ पे मैंने जो है पकड़ा था ट्रेड को और क्या, मतलब अगर आप लोग को नहीं दिखाऊंगा तो आप लोग को लगेगा कि आप ये जो है नीचे आया था बना दी जानबूझ के। तो ऐसा नहीं है, मैं पहले ही आपको स्क्रीनशॉट पहले दिखा देता हूँ पूरा क्लियर। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आपने स्क्रीनशॉट देखा कि मैंने किस तरह से जो ट्रेड को पकड़ा था, अब इसका लॉजिक बताता हूँ दोस्तों। मैं कोई भी ट्रेड करता हूँ तो सबसे पहले जो 5 मिनट को जो है 4 आवर को मैं तब्दील करता हूँ, कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में आपको जो पूरा मार्केट का ओवरव्यू दिखता है कि क्या होने वाला है मार्केट में, क्या नहीं होने वाला, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से अभी जो मार्केट जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो चलिए, मैं आप लोग को पहले दिखाता हूँ कि मार्केट में किस तरह से एनालिस करना है, ठीक है। एनालिसिस करना आपको जो कोई सिखाता नहीं है, डायरेक्ट लॉजिक बताता है, लेकिन मैं एनालिसिस करना आपको सिखाऊंगा पहले, ठीक है दोस्तों। इस जगह से आप लोग देख सकते हैं, इस जगह से जो मार्केट जो सेलिंग कर रहा है, इस जगह से मार्केट आया सेलिंग किया, इस जगह से आया मार्केट सेलिंग किया, इस जगह से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इस जगह से जो मार्केट जो बाइंग किया, इस जगह से मार्केट बाइंग किया, इस जगह से मार्केट बाइंग किया, इस जगह से मार्केट बाइंग किया, और यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं थोड़ा बहुत मार्केट जो है बाइंग किया, ठीक है। लेकिन दोस्तों, आप लोग को बता दूँ कि यहाँ पर जो है ट्रैप किस तरह से जो बना, ठीक है, इस जगह से थोड़ा सा बाइंग हुआ, ठीक है। आप लोग यहाँ पे एक कैंडल भी देख सकते हैं, एक कैंडल जी जो है कैंडल बाइंग कैंडल बनाया, ठीक है। ये रेड कैंडल मैं आप लोग को ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये जो है एक बाइंग की कैंडल भी दिखाया और एक ग्रीन कैंडल भी बनाया इसके बगल में, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा था कि एक्चुअली जो है मैं अब और भी अर्थरूस आपको बताऊँगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ताकि आप लोग भी कुछ सीखो। ऐसे नहीं कि ट्रेड कोई भी यूट्यूबर अगर आप लोग को बताता है तो डायरेक्ट ट्रेड बताता है, या फिर वो लोग अगर सिखाने का भी प्रयास करते हैं तो आप लोग सीखते नहीं हो। कोई भी यूट्यूबर से सीखो, लेकिन सीखो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो किस तरह से जो है मैंने जो ट्रेड को पकड़ा था। सबसे पहले तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जितना भी जो बाइंग किए थे सबका जो एसएल हिट करके मार्केट जो है नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ नीचे आया, यहाँ पे जो है इस जगह पे जो है बहुत सारे लोग ने अब सेलिंग करना स्टार्ट कर देखा है कि ब्रेकआउट पर अधिकतर लोग सेलिंग करते हैं, ब्रेकआउट या फिर जैसे ब्रेकआउट होता है बाइंग या सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं लोग, ठीक है। तो वहाँ पे इसका ऐसा लिट किया, ठीक है, ऐसा लिट किया यानी सेलर्स को जो बाहर निकाल दिया। अब दोस्तों, फ्रेश बाइंग स्टार्ट हुआ इस लेवल से, दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पर जो एक फ्रेश बाइंग स्टार्ट हुआ यहाँ से इस लेवल से एक फ्रेश बाइंग स्टार्ट हुआ, ठीक है। और अभी मार्केट ऑफ में ही है, ठीक है। यहाँ से इस तरह से एक ओवरव्यू मार्केट में मैं पकड़ा, ठीक है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक जगह यहाँ पे कि अभी जहाँ पे मार्केट चल रहा था वहाँ पे इस लेवल से जो है सेलिंग आ रहा था, इस लेवल से जो मार्केट जो सेलिंग कर रहा है, ठीक है। ये मैंने एक लेवल ड्रॉ कर चुका हूँ यहाँ पे, अब मैंने देखा कि सेलिंग यहाँ पे बार बार आ रहा था, जिसके कारण मुझे यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने एक जो नोटिस किया कि जो है सपोर्ट जो यहाँ पर बन रहा था, इस यहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट बना था, तो यहाँ पर मैंने एक देखा कि यहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट बना और यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत इस लेवल पर मार्केट ऊपर गया,
यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, तो मैंने एक यहाँ पे देखा कि एक सपोर्ट लेवल भी बन रहा था, जिसके कारण मैंने यहाँ पे एक लेवल भी ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर लोग देख सकते हो टाइम फ्रेम को मैंने 2 आवर की जगह अब 4 आवर की जगह जो है 2 आवर कर दिया, क्योंकि धीरे धीरे टाइम फ्रेम को कम करते जाना है ताकि आपको जो है क्लियरिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक और एक लेवल ड्रॉ किया था, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो एक सपोर्ट दिखा था इस लेवल पे, यहाँ पे देख सकते हैं एक दोस्तों सपोर्ट आया था, जिसके कारण मार्केट जो है काफ़ी अच्छा जो है यहाँ से जो ऊपर गया था। ठीक है, उसी तरह दोस्तों मैंने यहाँ पे देखा यहाँ भी एक सपोर्ट बना, ठीक है यहाँ भी एक सपोर्ट बना, तो मैंने एक इस लेवल को जो ड्रॉ कर लिया, क्योंकि ये आगे जा के जो है सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ या फिर कुछ भी नॉइस अगर आता है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि माइक वगैरह मैं यूज़ फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को सपोर्ट रहा तो माइक वगैरह भी आप लोग अगर बोलेंगे तो माइक भी अगर अच्छा सा माइक पर कैच कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से देखे मैंने, ठीक है इस तरह से मैंने देखा सपोर्ट रहा तो यहाँ पे मैंने एक लेवल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन में ट्रेंड लाइन में मैंने ड्रॉ किया, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन में भी बार बार जो है मार्केट जो है 2-3 बार जो है सपोर्ट लिया, आपको दिखाता हूँ पहले। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट बनाया, यहाँ पर भी सपोर्ट बनाया। ठीक है, तो इसके कारण मैंने इसको भी लेवल को जो ड्रॉ कर लिया सपोर्ट, पहले तो जो जो क्लियरिटी आपको दिख रहा है उस सब कुछ कर लीजिए, उसके बाद अपने माइंडसेट और ट्रैप पे जाइए कि क्या हो सकता है क्या नहीं। ठीक है, तो पहले तो मैंने लेवल अच्छे से ड्रॉ कर लिया, 2 आवर का टाइम फ्रेम है दोस्तों, मैंने जो है अब 30 मिनट के अब में आ गया। 30 मिनट में आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं, 30 मिनट के आने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से जो है मार्केट जो है काम कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने देखा एक बड़ी सी जो है बेवफा कैंडल, जिसको बोल सकते हैं यानी कि लगता बायर का कैंडल, लेकिन ये जो एक्चुअली सेलिंग का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है बाइंग का कैंडल दिखाता है, लेकिन एक्चुअली बाइंग कभी करता नहीं है, सेलिंग का काम करता है। ठीक, कभी कभी बाइंग करता है, जो कि मोस्टली अगर 10 बार में अगर देखा जाए तो आप लोग का 2 से 3 बार काम करेगा, 7 बार फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बाइंग जो है फॉल्स बाइंग का काम दिखाता है। तो दोस्तों मैंने इस तरह से देखा तो यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा था, जो कि मार्केट अप जा रहा था। ठीक है, एंड दोस्तों मैंने और एक लेवल यहाँ पे जो ड्रॉ किया, इस लेवल पे आप लोग देख सकते हो, कैनल के बारे में भी आगे चल कर आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक लेवल दिख रहा था, देखिए ये लेवल क्या किस लिए मैंने ड्रॉ किया आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस जो यहाँ पे जो सपोर्ट का काम कर रहा था इस जगह, यहाँ जो सपोर्ट का काम किया, यहाँ जो सपोर्ट का काम किया, यहाँ सपोर्ट का काम किया, यहाँ सपोर्ट काम किया, तो यहाँ पे जो प्रीवियस सपोर्ट बहुत सारा था। ठीक है, और यहाँ पे अब जो दोस्तों जो रेसिस्टेंस का काम करने लगा, तो दोस्तों यहाँ पे बहुत पहले जो सपोर्ट का काम कर रहा था, अब यहाँ पे दोस्तों रेसिस्टेंस का काम करने लगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट डाउन, यहाँ पे थोड़ा डाउन, तो यहाँ पे जो मार्केट जो रेसिस्टेंस का काम करने लगा। ठीक है, मुझे ये क्लैरिटी मिला 30 मिनट में। ठीक है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एंड दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम में अब मैं आ चुका हूँ, टाइम को चेंज करता हूँ 1 सेकेंड दोस्तों, मैंने यहाँ पे अब 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आ गया। अब दोस्तों मैं यहाँ पे देखा अब दिखाता हूँ कि आप जो है मार्केट जो है किस तरह से ट्रैप किया, पहले तो क्लैरिटी लीजिए क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, एंड दोस्तों यहाँ पे मैंने देखा कि जब यहाँ पे मेरे 30 मिनट पे एक लेवल ड्रॉ किया, जहाँ पे बार बार मार्केट जो रेसिस्टेंस ले रहा था, यानी यहाँ से मार्केट डाउन आ रहा था, तो यहाँ पे मैंने किस तरह से जो ट्रेड को जो पकड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मार्केट डाउन आया, यहाँ पे मार्केट डाउन आया, इस लेवल पे मार्केट डाउन आया, 3 जगह मार्केट डाउन आया। ठीक है, और इस जगह पे क्या था, लिक्विडिटी था, इस जगह पे जो पूरा लिक्विडिटी भरा हुआ था दोस्तों, इस जगह पे पूरा लिक्विडिटी भरा हुआ था। ठीक है, लिक्विडिटी पूरा भरा हुआ था। अब मार्केट क्या किया, देखिए यहाँ पर लिक्विडिटी जो है मार्केट जो ऊपर गया था, मैंने ऊपर का भी ट्रेड पकड़ लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट कर खाएगा ही, तो यहाँ पर मैंने ऊपर का भी पकड़ा था, उसका भी स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे लिक्विडिटी जो सबका खा गया, यानी जितना भी लोग जो है यहाँ पे जो सेलिंग कर रहे थे सेलर्स का जो है खा गया, मतलब पैसा उन लोग का जो एसएल हिट कर गया। एसएल हिट करने का दोस्तों क्या हुआ कि अब जो यहाँ पे जितने भी बायर्स जो है, जैसे होता है ना कि रिटेलर जैसे ब्रेकआउट किया बायर बाइंग एंट्री करता है, तो उसका भी एसएल हिट हुआ, फिर क्योंकि देखिए यहाँ पर नीचे भी आ गया, एकदम से नीचे आ गया, एकदम से नीचे आने का दोस्तों यहाँ जो है फ्रेश जो है बाइंग का भी बायर का भी जो है एसएल हिट कर गया, सेलर्स का भी हिट एसएल हिट कर गया। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे जो है रिटेस्ट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मार्केट आया, यहाँ पे जो है मार्केट जो है इस तरह से रिटेस्ट किया और मार्केट नीचे आ गया, तो मैंने यहाँ समझ गया कि यहाँ पे जो है बायर्स का भी एसएल हिट किया, सेलर्स का भी एसएल हिट किया,
और मार्केट जो है रेटेस्ट किया, अब जो है फ्रेश सेलिंग आएगी। तो सेलिंग आई दोस्तों, और आई तो आई कितना पॉइंट का आई दिखाता हूँ मैं। लगभग 230 पॉइंट का जो मैंने बोला था पहले ही, वही 230 पॉइंट का लगभग जो मैंने पॉइंट कैप्चर किया, ठीक है। एंड दोस्तों अभी जो मैंने मैंने सोचा था कि दोस्तों यहाँ से मार्केट यहाँ तक इस लेवल तक आएगा, बट नहीं आया। कोई बात नहीं, मार्केट में कभी भी आपको 100% टारगेट नहीं मिलता है। और अगर आप लोग 100-150 पॉइंट अगर मार्केट में कैप्चर करेंगे तो बहुत ज़्यादा है। ऐसे नहीं कि आप लोग जो है 500 पॉइंट का टारगेट लगाए तो 500 पॉइंट मिलना जरूरी, ऐसा ट्रेडिंग में बिल्कुल कभी नहीं होगा, ठीक है। अगर आप लोग 300 पॉइंट का टारगेट लगा रहे, 200 पॉइंट टारगेट मिल रहा है, तो सोचिए आप मार्केट में राज कर रहे हो, ठीक है। इतना पॉइंट मिला, काफ़ी ज़्यादा आपको मिल रहा है। और दोस्तों फिलहाल अभी एसएल की तरह चल गया मार्केट, लेकिन यहाँ पर इतना पॉइंट कैप्चर कर लिया मेरा जो है, ऐसे नहीं कि मैं यहाँ पे फेल हो गया, यहाँ पे इतना पॉइंट कैप्चर कर लिया, मानी कि यानी कि आप अच्छा ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। आई होप कि दोस्तों ये जो है आपको अच्छा लगा वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और मैं कुछ दिन बाद जो है 1K या फिर 2K कैपिटल से स्टार्ट करूँगा, तो आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से मैंने जो है डेली का प्रॉफिट करूँगा या फिर नहीं करूँगा। क्योंकि अभी जो मैंने सिर्फ एनालिसिस किया था, कोई रियल मनी से ट्रेड नहीं किया था, अब मैं रियल मनी से ट्रेड करना चालू करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि लोगों को ट्रैप समझ में आएगा, ठीक है। ट्रैप और साइकोलॉजी मेन चीज़ है दोस्तों, मैं इसमें ज़्यादा फोकस करूँगा वीडियो बनाने का, ताकि आपको जो इसमें मास्टर बना दूँगा, आप लोग किस तरह से ट्रैप को फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से नहीं, हर एक चीज़ आपको जो एक एक चीज़ सिखाऊँगा, ठीक है। आगे चल के आपको इस चैनल में बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।